नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं जिम पोर्टल में आज किस प्रकार से पार्टिसिपेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और अकाउंट लॉगिन करने के बाद ही यहाँ पे हम सबसे पहले उसमें जाते हैं, बिट्स में जाएंगे और जिस बिट को जैसे यहाँ पर एक बिट आई थी, मेल आया था। देखिए बहुत से मेल आते हैं जब आप उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो सर जितने भी पब्लिश होंगे जितने भी उन सब का आपके पास मेल आएगा। तो उसमें मेरे पास एक मेल आया, तो इसी मेल को मैं देखिए यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, नो फाउंड दिखा रहा है इसके ओल्ड वर्जन में। अगर कभी कोई बिट नो फाउंड दिखाए तो हम उसको इसके ओल्ड वर्जन में सर्च कर लेते हैं, तो ईजिली दिखा देता। देख लीजिए यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेट का। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा टर्म्स कंडीशन इसकी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले से टर्म्स कंडीशन देख ली, मतलब बिट डॉक्यूमेंट देख लिया, लास्ट डेट क्या है और कौन सा डिपार्टमेंट है, वॉट एवर इसके टर्म्स एंड कंडीशन सब ये वाला हमने एक बार देख लिया। ठीक है, ठीक है, इसको सारा एक बार थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये ऑप्शन आ गया सेलेक्ट कैटलॉग। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, यू डोंट हैव मैच ए प्रोडक्ट अवेलेबल, प्लीज अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट मैचिंग बायर रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट। अब ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब हमें लगेगा हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, इसको यहीं पर आप अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड न्यू प्रोडक्ट का भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें प्रोडक्ट अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा देखिए इस तरीके से, तो वो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है, ये बहुत थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम लगता है और इसमें काफ़ी टर्म्स कंडीशन मांग लेता है, तो इसीलिए अब आपको इसको यहीं पे लीव कर देना है। सिर्फ इसकी आपको कैटेगरी उठानी है, ठीक है, और अब आपको मेन पोर्टल में जाना है उसके मार्केट सेक्शन में। जब आप इसके मार्केट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो इसके कैटेगरी में इसको सर्च करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमने डाल दिया, ये आ गया, इसको हमने सर्च किया। अब यहाँ पर देखिए क्या बात है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहा था, वो इसीलिए तो नहीं शो कर रहा था ना कि क्योंकि उस टाइप का कोई प्रोडक्ट हमारे उसमें पोर्टल में अभी वो नहीं था। इसको फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लॉग आउट हो गया है, ये तो इसमें होता ही रहता है, ये तो बहुत लॉग आउट होना इसमें। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको भी दिखाता हूँ इसको, अब देखिए भी थोड़ा टाइम लगता है सब चीजों में। बाकी हम बिड में गए, ठीक है, अगर यहाँ से सर्च किया नहीं आ रहा है वो बिड नंबर, तो आप देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं कुछ नहीं भी बताता हूँ तो आप समझ में इजीली आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए आ गया, यहाँ पे आया, सेलेक्ट कैटेगरी की, अब यहाँ पर देखिए लॉग आउट हो गया था इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे करना पड़ा, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये फिर से यहाँ पे नहीं आ रहा। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे प्रोडक्ट को अपलोड करने का। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है और बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद हम उसी कैटेगरी को लेके यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट को हम यहाँ पर इसी कैटेगरी को लेके इसको आप देखिए
हमने कॉपी किया और इसी को हमने सबसे सरल तरीके से यहाँ पे पेश कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में इसको सर्च करेंगे। अब आप देखिए ये है, यहाँ पे गए, ये आया। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम इसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम इसको वो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो इसका दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को मैच करा देंगे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, ग्रामेगा सब्सटेंस ऑफ द प्लेन कॉपियर पेपर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ये देखिए ग्रामेगा सब्सटेंस ऑफ द 70 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 70 ग्राम पर स्क्वायर मीटर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इको मार्क। अब यहाँ पर देखेंगे द प्रोडक्ट कंफर्मिंग टू द यस, यहाँ पे यस है, द प्रोडक्ट कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इको मार्क यस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे। ये जो तरीका होता है इससे क्या होता है कि आपको मार्केट पे जाके सर्च करना रहता है और एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हमें उस पे उस प्रोडक्ट को भर देते हैं, तो वो बहुत इजीली पब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दो हो गया, अब साइज इसमें दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स 500 रिम का है, ये देख लिए यहाँ पे, ये देख लीजिए 500 सीट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, साइज क्या है, A4 साइज है, यहाँ पे आप देख लीजिए A4 साइज का, यहाँ पर क्या है A4 साइज, ये देखिए, ठीक है, A4 साइज हो गया। अब यहाँ पर देखिए बिस मार्केट, ठीक है, अब देखिए बिस मार्केट, यहाँ पे बिस मार्केट, यस यस, एज पर नोटिफिकेशन CGDLE कॉपी अटैच्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बिस्मार यस, यही वाला था सेम, हम इसको यस कर देते हैं, ओके। अब देखिए अवेलेबल टेस्ट रिपोर्ट, यस अवेलेबल टेस्ट रिपोर्ट में भी हमने यस कर दिया। अब देखिए कहाँ 48 पेजेस थे और कहाँ अब 2 पेजेस बचे, सिर्फ 2 पेजेस बचे। जब हमने फिल्टर लगाना शुरू किया, गोल्डन फिल्टर लगाना, तब यहाँ पर सिर्फ 2 बचे। अब देखिए यहाँ पर कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ बहुत कम बचे, सिर्फ 2 बचे हैं। अब इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट को हम चूज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक इन्होंने और गारंटी शर्त दी थी पेपर ब्रांड के बारे में, तो नीड ओनली JK मैक्स खन्ना सेंचुरी पेपर ओनली, JK मैक्स हो या सेंचुरी का हो या खन्ना का हो। देखिए अभी हम यहाँ पे सेंचुरी का हमें मिल गया, देखिए A4 साइज में सेंचुरी का हमको मिल गया, ये देखिए सेंचुरी ब्रांड का है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेंचुरी ब्रांड हमने इसको खोल लिया और हम इसको सेल दिस आइटम में कर देंगे। अब देखिए सेल दिस आइटम में जब हमने इसको किया तो यहाँ पर ये अपने आप ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। कुछ कंडीशंस भरनी पड़ेंगी इसमें, बाकी ये अभी MRP इसमें भरना पड़ेगा, MRP में भर देता हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हम क्वांटिटी भर देंगे और यहाँ पे 1 भर देंगे और यहाँ पे 10 भर देंगे, डिलीवरी डेट, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन,
तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कैप्सा डाल देता हूं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये तरीका ज्यादा आसान था किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिश करने का, कि ये देखिए यहाँ पर हमारे अभी सेंचुरी ग्रीन ये यहाँ पे आ गया और एडमिन और ओईएम में, ये एडमिन और ओईएम में है, ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा। जब पब्लिश हो जाएगा तब हम इस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तब तक एक मैं और ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, फिर मैं एक लूंगा खन्ना का। फिर वही करेंगे सेल दिस आइटम, ठीक है, सेल दिस आइटम करेंगे। ओके, ये देखिए मान लीजिए मैं इस पे रेट डाल देता हूँ और ये किया मैंने, ठीक है, इसमें क्वांटिटी डाल दी मैं, और इसमें बहुत कम आपको भरना पड़ेगा, बहुत कम फील्ड से आपको पब्लिश करने के लिए भरना पड़ेगा। और दूसरे ऑप्शन से में क्या होता था कि अभी जो दूसरा वाला मैं आपको इस यही अगर इसी बिट के लिए हम बात करेंगे, जब हम दूसरा वाला भरते हैं तब देखिए कितना उसमें बहुत फील्डें भरनी पड़ती हैं। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है ये, आप जितने भी प्रोडक्ट पब्लिश करेंगे सबसे पहले एडमिन पे जाएगा, ये इसका नियम है कि वो सबसे पहले एडमिन पे जाएगा और एडमिन के बाद वो तुरंत आपका पब्लिश पे आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये पब्लिश्ड हो गया, तुरंत पब्लिश्ड हो गया ये, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये अभी मैंने पब्लिश किया था, ये देखिए पब्लिश्ड हो गया तुरंत, यहाँ पर पब्लिश्ड हो गया। तो ये, और जो यहाँ पे पहले एडमिन पे जाता है, एडमिन पे देखिए पब्लिश हो गया, एडमिन पे यहाँ पर आप देखिए ये भी पब्लिश्ड हो गया, ये देखिए दो प्रोडक्ट मेरे पब्लिश्ड हो गए यहाँ पे, अभी मैंने ऐड किया था और अभी ये पब्लिश्ड हो गए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये पब्लिश्ड हो गए। अब मैं इनको अभी देखता हूँ कि क्या ये वहाँ पे आएंगे, अगर नहीं आते हैं तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा उसका, फिर शायद प्रोडक्ट कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से लॉग इन करता हूँ और मैं फिर से बिड पे जाता हूँ, फिर से मैं दूसरी प्रक्रिया कर रहा हूँ ना, वहां पे जहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया था वो हो सकता है कि अब लॉग आउट हो गया हो, तो मैं इसको फिर से पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखते रहिएगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है। मैंने उसी बिड को यहाँ पे ये किया, पब्लिश किया, अब मैं पार्टिसिपेट पे गया, अब मैं सेलेक्ट कैटेगरी पे गया कि अभी नहीं आया ये प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि अभी हमें थोड़ी देर इसको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉग आउट हो गया, तो फिर से हम इसको लॉग इन करके देखते हैं। ये बिल्कुल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई भी बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से होता है, जब तक हम धीरे धीरे इसको सीखते हैं ना, कि क्योंकि कोई भी बिट जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें कहीं ना कोई चीज हमें समझ में नहीं आएगी या दिखेगी नहीं, ये देखिए अभी भी वो चीज नहीं आई है, ठीक है,
ये तब आएगा जब वो पब्लिश होने के थोड़ी देर बाद या 1 या 2 घंटे बाद यहाँ पे उसी, क्योंकि हमने इसी गोल्डन पैरामीटर्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को हमने पब्लिश किया है, ऐड किया है, वो इसमें आना चाहिए, बट अभी नहीं आ रहा है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 घंटे में जब ये हो जाता है, जब ये पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद ये आ जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर दो पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे एडमिन पे सेंचुरी का कोई भी प्रोडक्ट लिखे नहीं पड़ा हुआ है कि वो ओईएम पे गया है या एडमिन पे गया, वो तुरंत पब्लिश हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश तो हो गया है बट अभी वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है इसका, तो ये वहाँ पे अभी पार्टिसिपेट पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जब वहाँ पे हमको पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे अभी ये दिख नहीं रहा, आया नहीं है ये प्रोडक्ट। थोड़ा टाइम लग जाता है इसको आने में, तो ये तब तक में आ जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम इस बिट को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे ये पब्लिश होता है और यहाँ पे आता है, तो इसके आगे फिर मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप इसको देख लीजिए कैसे है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूँगा।